C++ लैंग्वेज में वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करवाते हैं और यूज़र से कैसे इनपुट उन वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं। इसके लिए हम कोड ब्लॉक यूज़ करेंगे। कोड ब्लॉक में हम C++ लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाएंगे। जी यहाँ से आप जस्ट क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद हमें, क्योंकि C++ इज़ अ कंसोल एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे। C++ सेलेक्ट है ऑलरेडी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम टाइप करेंगे। मैं लिख रहा हूँ Program 1, देन क्लिक नेक्स्ट, फिनिश करेंगे। ये आपका प्रोग्राम का नेम, नीचे सोर्स फाइल एंड मेन को डबल क्लिक करके आपका ये प्रोग्राम ओपन हो चुका है। जस्ट आप सिंपली इसको रेज करेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये C++ का सिंटैक्स है। जितने भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे इस सिंटैक्स के अंदर करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा हूँ इंटीजर के नाम का, और वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ ए। टर्मिनेट करते हैं और दूसरा वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का बी, और इसको भी टर्मिनेट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इन वेरिएबल्स में जो वैल्यू है वो यूज़र से स्टोर करवाए। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम जस्ट पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, जिसको सी आउट लेस देन डबल कोटेशन, उसमें लिखेंगे इंटर वैल्यू इन ए। ये वो स्टेटमेंट है जो यूज़र को शो होगी। इसके बाद हम लिखेंगे सी इन ग्रेटर देन एंड वेरिएबल जो हमने एक डिक्लेयर करवाया उसको लिख के टर्मिनेट करवा देंगे। उसके बाद दोबारा एक और स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि यूज़र को आउटपुट स्क्रीन में नज़र आएगी, जिसमें आउटपुट यूज़र से इनपुट ली जाएगी वैल्यू ऑफ बी, इंटर वैल्यू ऑफ बी, ताकि यूज़र जो है वो वैल्यू इंटर करवाए बी में, इंटर वैल्यू इन बी। इसको टर्मिनेट करते हैं। अगेन सी इन ग्रेटर देन बी, इसको भी टर्मिनेट करवाएंगे। अब यूज़र जो भी वैल्यू अपनी इंटर करेगा, सबसे पहले इंटर वैल्यू इन ए, वो स्टोर होगी ए वेरिएबल में। अगेन जब वो इंटर करेगा इंटर वैल्यू इन बी, वो वैल्यू स्टोर होगी वेरिएबल बी में। अब जो वैल्यूज़ यूज़र ने इंटर की हैं, हमने उनको प्रिंट करवाना है कि यूज़र ने क्या वैल्यू इंटर की है। तो हम सिंपली राइट करेंगे सी आउट लेस देन डबल कोटेशन, इसमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इज़, यूज़र ने क्या वैल्यू लिखी है। और इसके बाद अगेन लगाएंगे लेस देन और जो वैल्यू वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया है ए, जो वैल्यू हमने ए में स्टोर करवाई है वो वैल्यू ए वेरिएबल एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, ताकि ये उसी वेरिएबल को प्रिंट किए करें। इसको टर्मिनेट करते हैं। अगेन लिखेंगे सी आउट लेस देन डबल कोटेशन, और इसमें लिखेंगे हमें बी से वैल्यू लेनी, वैल्यू ऑफ बी इज़ लेस देन और वही वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये ऊपर आपको साइन रन का न्यूज़र आ रहा है, इसको रन करेंगे, बिल्ड करेंगे यस, एंड अगेन आपको देखें आपको नज़र आ रहा है जो हमने स्टेटमेंट सबसे पहले लिखी इंटर वैल्यू इन ए, और आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि यूज़र से इनपुट ले रहा है। यूज़र फर्ज करें मैं यहाँ पे 10 इंटर कर देता हूँ। अगेन वो एक स्टेटमेंट प्रिंट हुई इंटर वैल्यू इन बी, तो बी में वैल्यू इनपुट करेंगे, मैं इंटर कर देता हूँ 20। इंटर करते ही उसने हमें जो आउटपुट दी वैल्यू ऑफ ए इज़ 10, वैल्यू ऑफ बी इज़ 20। ये था हमारा एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं और कैसे उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। होप सो आपको समझ आया।